नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पद भर्ती बिग अपडेट, 6 माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन, मुख्य परीक्षा कराने की तैयारी में आयोग। यूपी ट्रिपल एस सी PET 2024 ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा। वीडियो को अंत तक देखें, संपूर्ण जानकारी आप लोग को बताई जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 जो भर्ती है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभ्यर्थी UPNHM जो 17,000 पोस्ट वेटिंग लिस्ट है उसकी हमारे पास दोस्तों अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल कर आई है। उसके बारे में आप लोग ना कमेंट के माध्यम से ना पूछिएगा, क्योंकि दोस्तों जो जानकारी हमारे पास रहती है मैं वही आप लोग को बताऊंगा। एनम जो 5272 पद भर्ती होनी है दोस्तों, आप लोग को बता रहा हूँ कि PET 2024 जो है आप लोगों का अक्टूबर या नवम्बर में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। यह PET 2024 का ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर या नवंबर में इसका ऑनलाइन आवेदन होगा और उसी के जस्ट बाद आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पद PET 2023 के माध्यम से, अब सुन लीजिएगा दोस्तों, PET 2023 की जो स्कोर कार्ड है उसके माध्यम से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा। जिस तारीख से ऑनलाइन आवेदन होंगे आपके 5272 पर जो एनएम के हैं दोस्तों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, विद इन 6 मंथ, जो दोस्तों 6 मतलब 6 महीने के अंदर जो है आपका जो है परीक्षा होगा, इसका मुख्य परीक्षा हो जाएगा। और जब भी इसका आवेदन होगा दोस्तों, वहां से आप जोड़िएगा, 6 महीने के अंदर ही इसका हो जाएगा, क्योंकि ये आयोग की तरफ से जो अपडेट है दोस्तों। कुछ अभ्यर्थी आयोग गए हुए थे, वहाँ से उनको पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं दिया गया, यही बताया गया है कि जब भी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन होगा 6 महीने के अंदर अंदर आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद जो है जो और भी भर्तियां हैं, सभी भर्तियां जो नई वाली हैं उनकी परीक्षाएं जो है दोस्तों जल्द से जल्द कराने की तैयारी में आयोग जुटा है। अभी तो पहले जो है पुरानी भर्तियां जो हैं 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक की जो भर्तियाँ हैं दोस्तों, 22 तक की भी कुछ भर्तियाँ हैं, उनके रिजल्ट जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके रिजल्ट जो दोस्तों निकाले जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे नए आवेदन जो हुए हैं अभी उसकी एक भी परीक्षाएं नहीं हुई है, चाहे 22 की हो चाहे 23 की हो दोस्तों, PET की मैं बात कर रहा हूं। और नई भर्ती भी अध्याचन आप लोग को देखने को मिलेगा जब जो है ये पुरानी भर्ती जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनके फाइनल रिजल्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे उसके बाद। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं, अभी देखिए मुख्यमंत्री जी अभी देख रहे होंगे तमाम जो है घोषणा कर रहे हैं। अभी यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है, उसमें भी इन्होंने कहा कि अगले आने वाले 2 साल में 2 लाख भर्तियां जो भी है इनका जो है 1 लाख भर्तियां पुलिस की करेंगे, ऐसे मतलब आप लोग पेपर में देख रहे होंगे। और दोस्तों अब जो है आयोग के ऊपर जो है मुख्यमंत्री जी जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो पुरानी भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर कराने की बात हो रही है। अभी देखिए दोस्तों आए दिन एक ना एक यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर नए नए नोटिस देखने को मिल रहे हैं। अभी कल देखिए दोस्तों 2015 की भर्ती है, 3 पोस्ट है उसके लिए रिजल्ट आया है और उसका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू के लिए आया है। इसके पहले आप लोग देखे होंगे वनरक्षक बंदरोगा का आ गया दोस्तों, जो है वनरक्षक जो है फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसका रिजल्ट आ गया फाइनल। अब अगला अपडेट जो है आप लोग को बता रहा हूँ, BDO का रिजल्ट है दोस्तों और कंबाइंड टेक्निकल का है, ये सब हैं। और एक भर्ती और है दोस्तों, वो है आपका जो है मुख्य सेविका का। तो मुख्य सेविका का वो कोर्ट में है इसलिए उसमें थोड़ा देरी होगा, जब कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा उसके बाद ही उसका होगा। तो दोस्तों ऐसे कई भर्तियां हैं, लगभग नियर अबाउट बताया जा रहा है, अगर देखा जाए टोटल तो 32 भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी की। लेकिन दोस्तों भर्ती चलती रहेगी और ये जो नए पद हैं आप लोग ध्यान रखिए, किसी के बहकावे में ना आइएगा कि यह भर्ती नहीं होगी। मैं बता दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कि यह भर्ती कन्फर्म होगी, 6 महीने के अंदर होगी। 5272 पद जो भर्ती होनी है दोस्तों, मानकर चलिए कि अक्टूबर या नवंबर में इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, एकदम ज़ोरों से तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेरे इस चैनल पर बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, क्लास मैंने एनएम का इसके पहले वाला चलाया था जो पिछली भर्ती आई थी, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और नए क्लास भी मैं शुरू करूँगा जल्द से जल्द जो है, तो आप लोग जो है चैनल को, जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो दोस्तों उनको जितनी भी क्लास रहेगी सबसे पहले मिल जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो जो अपडेट थी दोस्तों मैं आप लोग को बता दिया हूं। आज भी अभ्यर्थी कुछ आयोग गए हुए हैं, अब देखिए वहां से जो अपडेट निकल कर आती है।
इसके पहले भी अभ्यर्थी जो गए थे वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये अपडेट थी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।